सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन ब्रिलियंट। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोगों ने अच्छे से बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था जूबी लाइफ सिटी को। और गाइस, तुम लोग को पता है मेरी एक चुल्ल मची रहती है कि एपिसोड ख़त्म करो तो आप पोकेमॉन सेंटर में, एपिसोड स्टार्ट करो तो आप पोकेमॉन सेंटर में। और मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे यार, नर्स से मिलके, है ना, अच्छा लगता है यार, सबको अच्छा लगता है। तो गाइस, मैं जा रहा था और सिटी के ओर, क्योंकि मुझे लड़ना था रोआर्क से। मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मुझे याद आया, एक सेकेंड, रोआर्क तो रॉक टाइप जिम लीडर है। क्योंकि मैंने कहा था यार, मैंने थोड़ी सी सिम देखी तो मैंने देखा भाई मेरी टीमों से अच्छे से हरा गई, तो सोचा चलो एक, हाँ, आप लोग जानते हो ये कौन सा पोकेमॉन है, बडी हूँ पकड़ लेते हैं ना, जीत जाएंगे, रोज़ रेड बन जाएगा, प्रो बन जाएंगे, है ना, इसलिए हमने पकड़ लिया। ठीक है भाई, ऐसे पकड़ा करो भाई, अच्छे अच्छे पोकेमॉन पकड़ा करो, एडवांटेज से खेला करो, इसके तरह मत खेलो, ठीक है। वो इतना पागल है ना, उसके पास डियाल्गा होगा और दूसरा बंदा भी डियाल्गा निकालेगा, तो डियाल्गा निकालेगा, जो उस पर सुपर इफेक्ट होगा वो नहीं निकालेगा, ठीक है भाई, वो थोड़ा है पागल है, ठीक है। चलो यहाँ से अपन को ऑर्बिट सिटी जाना है, तो चलते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ से मैं जा नहीं रहा, यहाँ से चलते हैं, वरना वो पागल सा बच्चा वो कर लेगा, हम लोगों को पकड़ लेगा। भैया भैया भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दे दो। भाई दे दूंगा, ठीक है, वो मुझे बॉल लेनी थी इसलिए आ गया, ठीक है, मैं सबको हराऊंगा। चलो दीदी, आपसे डिड नो द फर्स्ट पोकेमॉन टू अपीयर, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं भाई, पूरा पढ़ा करूंगा आपसे। साले, मैंने सोचा कि दोनों बैटल करेंगे, फिर दीदी ने बैटल नहीं किया तो मैंने सोचा इससे बात कर लेते, कुछ बता देगा, साले ने तो बैटल किया है। साले, इंसान के नाम पे तू कलंक है, कलंक। ओके, यहाँ पे एक वाइल्ड पोकेमॉन मिला अपन को, मिला स्टारली। भाई अपने पास है, क्यों दे रहे हो, ठीक है, क्यों, और वो अपना स्टार के भाई, स्टारली नहीं है। ओके, ऑर्बक गेट, तो यहाँ से जब से आई थिंक पार कर लेंगे तो हम लोग ऑर्बक सिटी में पहुँच जाए। ओके, TM98, ये ऐसे क्या करता है। ओके, अच्छा, रॉक स्मैश। ओके, तो ये हमें बता रहा है टीएम के बारे में, ज्यादा मत बता, हमें पता है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ये बता रहे कि पॉकेट में एक हिडन मूव ऐप है जिससे तुम ये सारे टीएम्स यूज कर सकते हो। भाई हमें ज्यादा मत बता, पता है। सो गाइस, ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसे पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू में था ना, कि सीक्रेट टेक्निक्स पिकाचू सीख लेता था तो किसी पोकेमॉन को अपने अटैक में रखना नहीं पड़ता था, तो ये लोग भी वैसा करेंगे। क्योंकि पता है बंदों को बहुत गुस्सा आती थी इस चीज से, भाई साहब रॉक्समैश जैसा टट्टी अटैक हम क्यों रखें। ओके, यहाँ पे हमें एक दीदी मिली थी, वो बहुत घटिया ट्रेनर थी, और जिनसे हमने ले लिए हैं 380 पोके डॉलर। भाई मैं थोड़ा बोलने में ना हकलाता हूँ यार, मुझे भी रोवन एटकिंसन जितना। हाउ डिड ट्रेनर इफ डोंट हैव सिंगल बैच, अदर ट्रेनर्स विल लुक डाउन ऑन यू लाइक यू आर अ टोटल नूब राइट। ओके, हमें पता है भाई, हम ढूंढ लेंगे। भाई हमें नूब बोला, कोई बात नहीं, मैं बदला लूंगा और बहुत अच्छा बदला लूंगा, वो भी रुआ। डियर समवन, ये कहाँ से आ गया, चोमू तू कहाँ से पता, और बिकॉज यू फाइनली गॉट हियर, जस्ट लो, मैं मार दूंगा, ठीक है। हमेशा तो तू इतने पैसों की रेस लगा लेता है, फिर खुद जल्दी भाग जाता है। ओके, या और बक माइंड के बारे में कुछ, साला ये तो पहली बार आके बैठा है यार, जिंदगी में ना स्कोप नहीं है कोई, बिल्कुल स्कोप नहीं है। और हमें पता चला कि रोआर कभी यहाँ पे है नहीं, और ये ऑर्बग माइन के बारे में कुछ बता रहा था, तो चलो देखते हैं ऑर्बग माइन है का, वैसे यही लग रही है। ओके, ऑर्बग कोल माइन, हाँ पूरा नाम बता देता भाई, क्या चला जाता, नहीं पूरा नाम बता देता तुम्हारा कुछ चल जाता। अगर कितनी सीढ़ियाँ हैं साला, चलो नीचे भाई, सॉरी फॉर थोड़ी गालियाँ, आज मेरा थोड़ा दिमाग खराब है सुबह से, लेकिन वीडियो में दिमाग खराब नहीं करना, मैंने सोचा यहाँ पे रॉक्स मैच यूज कर लेंगे, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मौका मिलेगा नहीं। और हमें रोआर्क मिल गई गाइस, मैं आप लोग को बताना तो भूल ही गया कि हमें रोआर्क मिल गई थी, और उन्होंने कहा चल बे निकल, मैं आ रही हूँ जिम में, तुझे इतनी प्रॉब्लम के, चलो रिपेल ख़त्म हो गया। भाई सच बता रहा, मैं सच कसम से बता रहा, जब मैं पुराने गेम्स खेलता था ना, मैं कभी रिपेल यूज़ नहीं करता था, मैं सोचता था भाई पैसा का वेस्ट है, लेकिन साला मैं कभी किया ही नहीं फिर मैं रिपेल यूज, लेकिन इस गेम में मैं दबा दबा के रिपेल यूज़ करेगा।
वो बहुत ज़्यादा रिपेलेंस करेगा, क्योंकि भाई लेट्स गो में तो दिखते हैं पर इसमें दिखते हैं नहीं, तो हम जिंदगी के वैसे एल लग जाते हैं पूरे, नहीं वैसे जिंदगी के एल लगे पड़े हैं, लेकिन ये गेम थोड़े और एल लगा देता है। इतना बड़ा फाइल है भाई, हम पीसी पे चला रहे हैं मिलिट्री। ओके खुल गया, मजा आ गया भाई। एक कटसीन दिखाएंगे, मुझे पता था। और यहाँ पे चश्मा वाले अंकल है, वो क्या लेट्स गो पिकाचू में टैक्सी उड़ा वाले अंकल होते हैं, यहाँ पे चश्मा वाले अंकल हैं, और ये एकदम वैसे लग रहे हैं जिनने हमें पोके से दिया था। नहीं 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 नहीं, उनकी तो मूछी थी, उनकी मूछ अच्छी थी। ओके पोकेमॉन स्वैप कर लेते हैं, चिमचार को थोड़ा आगे रख लेते हैं, स्टार का ज़्यादा कोई काम ही नहीं है भाई साहब, ठीक है, इलेक्ट्रिक टाइप है वो, क्या करेगा नूबड़ा। और गाइस मैं ट्रेनर्स को नहीं हरा रहा, मतलब बाद में हरा दूंगा, वो तो मैं बस ऐसे कर लेता यार थोड़ा बहुत, ठीक है बाद में हरा देंगे आप लोग का टाइम बचाने के लिए, ऐसे कर लेते हैं। ओके वेलकम टू दिस ऑर्बर्ग पोकेमॉन जिम, आई एम रोआर्ग द जिम लीडर। ओके बट आई एम वन ट्रेनर हु डिसाइडेड टू वॉक प्राउडली एज द जिम लीडर, यू नीड टू आई नीड टू शी योर पोटेंशियल। अरे यार अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहा था जल्दी, चलो कोई बात नहीं गाइस, मुझे पता है मैं ऐसे समझा देता हूँ ना आपको बिना पढ़े, ये मुझमें टैलेंट है यार, आप लोगों को ये टैलेंट बहुत पसंद आता है। ओके उसके पास भी तीन पोकेमॉन है, चलो अच्छे खाते हैं। जियोडूड इसे पेल देगी, अपने फ्लोरा पेल देगी। हाँ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया कि मैंने इसका ना फ्लोरा रख दिया, अच्छा है ना, नहीं लगा कोई बात नहीं, अच्छा लगे चाहे ना लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पड़ता है यार, तुम लोग मेरी ऑडियंस हो, ठीक है। ओके और मुझे पिछले वीडियो में एक भी कमेंट नहीं मिला मैंने आपके, अभी कैसे हो यार, थोड़े कमेंट डाल दिया करो, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, डाल दिया करो, क्या चला जाएगा, ठीक है। और गाइस आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को पोकेमॉन लेजेंड्स आरसीएस चाहिए कि नहीं, अबे इन्हें चाहिए भी नहीं होगा, मैं तो भी खेलूंगा। हाँ मत बताना गाइस, मत बताना यार, छोड़ो यार, तुम लोग कहोगे अबे साले तू वैसे भी खेलेगा, तू पोकेमॉन का इतना बड़ा फैन है तो तू खेलना तो है। चलो ये दूसरा पोकेमॉन निकाल रहे, ऑन अच्छा पोकेमॉन। लेकिन गाइस तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू में सारे रोकते पोकेमॉन के कलर थोड़े डार्क थे, ठीक है, लेकिन इसमें कम है, कमर लाइट है यार। मैं ऐसे सारे पोकेमॉन गेम्स में खामियां निकालता रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है, जैसे मैंने पोकेमॉन नेट में खामियां अरे क्या गलती निकाली है भाई साहब, कि जो क्रसल है ना अपना, वो एनिमे में लाल है उसकी बॉडी, लेकिन यूनाइट में भाई साहब ब्राउन है, लेकिन ब्राउन ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके तुम लोग को शायद ये भी नहीं पता होगा कि मैंने अपने जींस पे लगा दिया है क्रिकलॉ, जिससे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और एक कॉन्सेप्ट का क्रेनेडोस भाई खतरनाक लग रहा है एक्चुअली, मैंने इसे देखा पैरालाइज करके मारा, गाइस पैरालाइज करके मारते हैं यार, ठीक है पैरालाइज करके मारो करो भाई अच्छा लगता है। अरे वो भी कह रहे होंगे भाई ये कैसा इंसान है यार, हमें इतने छोटे मतलब एक फ्लावर से हरा दिया। रोआर्क भी कहेगी मेरे को इज्जत ही नहीं है, व्हाट स्टार्क इज इवॉल्विंग, मेरा सपना पूरा हो गया भाई, स्टार्क तू क्या बनेगा, आई थिंक स्टारेविया बनेगी है ना, मुझे पता नहीं रहता भाई, मैं ज़्यादा से देख ही नहीं है कितने बार बताऊँ, हाँ आई थिंक स्टारेविया है, स्टार रैप्टर तो बड़ा वाला होता है, हाँ स्टारेविया। ओके भाई क्या ओपी लग रहा है, नहीं ज़्यादा हेयर स्टाइल थोड़ी बदल ली और थोड़े बड़े हो गए, उतना ओपी नहीं है। चलो वॉट सिंग्स इज इवॉल्विंग, ये लग्जियो बनेगा भाई, मतलब कितना अच्छा पोकेमॉन बनेगा, मेरे तो जिंदगी के सबसे अच्छे दिन है ये, मतलब मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ यार, लग्जियो बन गया भाई, क्या ओपी लग रहा है ना, ठोको ताली, नहीं ठोको ताली, अच्छा पोकेमॉन है। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ ना अपन के चिमचार का नाम रख सकते हैं, तुम लोग कमेंट में बताना ठीक है, चिमचार का नाम अगर हम लोग अभी निकनेम रख सकते हैं, क्योंकि मुझे उसका नाम रखना है सन वुकोंग, अरे भाई वो वुकोंग पे वेस्ट है भाई अपना, वो इन्फर्नेब है ना, तो गोल बैच दिया है, अबे कैसा है गोल है, गोल तो है ही नहीं भाई, गोल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, रोआर्क ने दिया, दीदी आप अच्छे हो बहुत अच्छे हो, वैसे दीदी है कि भैया है मुझे नहीं पता, TM76 जरा देखे तो ये क्या है, स्टेल्थ रॉक, अरे यार क्या करूँगा, और इन्हें स्टिकर्स भी दिए हैं, अच्छा भाई ठीक है सर, और अपन लोग रॉक स्मैश भी यूज़ कर सकते हैं। ओके तो पहले पोकेमॉन्स पे जाते हैं, हाँ चलो पोकेमॉन्स पे चलो जल्दी चलो। ओके स्वैप पोकेमॉन, भाई स्वैप करना पड़ता है, आगे रख लो अच्छा लगता है ना। सो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक सेकेंड ये बच्चे लड़ भी नहीं रहे, कोई बात नहीं बच्चा तुम मत लड़ो ठीक है यार, तुम अच्छे बच्चे हो ठीक है। सो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म।